तो दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और आप भी जानना चाहते हैं कि इस समय पर आपके लिए 15,000 के नीचे कौन सा बेस्ट फोन है और आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, तो मैं आपको 5 सबसे अच्छे और तगड़े स्मार्टफोन बताने वाला हूं अंडर 15,000। 15,000 के प्राइस पॉइंट पर भी काफी सारे स्मार्टफोन आपको मिल जाते हैं, लेकिन उन सभी में 5 जो सबसे अच्छे और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन थे, उन्हीं स्मार्टफोन को हमने इस लिस्ट में रखा है। और पिछले कुछ दिनों में अंडर 15,000 के लिस्ट में भी कुछ नए स्मार्टफोन ऐड हुए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी बजट 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में है और आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। पहले हम बात करते हैं कुछ नए स्मार्टफोन के बारे में, देन उसके बाद हम कुछ और स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जिन्हें भी आप 15,000 के नीचे कंसीडर कर सकते हैं। हमने इन 5 स्मार्टफोन को रैंडम ऑर्डर में रखा है, तो हम शुरू करने वाले हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पर हमने रखा है रेडमी नोट 11 T5G को। ये फोन अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और 7 दिसंबर से इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। ये फोन आपको 15,000 के अंदर मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज के अंदर ये फोन अभी का सबसे तगड़ा स्मार्टफोन है। पहले हम इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इस फोन के बारे में फाइनल वर्डिक्ट दूंगा, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। प्रीमियम सा डिजाइन लगता है, हालांकि ग्लास बॉडी नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है। 8.8 mm की थिकनेस है एंड 195 ग्राम वेट के साथ आता है। साथ में आपको IR ब्लास्टर मिल जाएगा एज यूजुअल। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है एंड उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। Xiaomi क्लेम करता है 2 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा इस फोन की बैटरी। इसके साथ ही ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ड्यूल 5G सिम सपोर्ट करता है। स्पीकर आउटपुट के बारे में बात करें, तो इसमें हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, तो ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। MIUI 12.5 की लेयरिंग लगी हुई है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, तो कैमरा इसमें डिसेंट मिलेगा या फिर बिलो द एवरेज मिलने वाला है। ड्यूल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है। सेकेंड कैमरा 8 MP का देखने को मिलेगा। इसमें हमें मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता है। बाकी रियल लाइफ में भी कैमरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देता है। फ्रंट में 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। 4K का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इवन 1080p में भी 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप कैमरा पर्पज से फोन परचेज करना चाहते हैं, तो इस फोन को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G चिपसेट, जो कि 6nm पर बना हुआ है और 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है। UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, तो परफॉर्मेंस आपको किसी भी तरह का इशू नहीं मिलने वाला है। इसमें भी आप अप टू 3GB तक वर्चुअली रैम बढ़ा पाएंगे, जो कि यूजलेस होता है, नाम के लिए होता है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। 7 से 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा, शायद इससे ज्यादा भी होगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। IP53 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। अप टू 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो ब्राइटनेस लेवल थोड़ी सी कम है, आउटडोर यूजेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्प्ले के मामले में ये फोन ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। प्राइस की बात करें, तो ये फोन हमें 3 स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। 664 जिसके लिए आपको 15,000 रुपये पे करने होंगे, 6128 जिसके लिए आपको 16,000 रुपये पे करने होंगे, और लास्टली 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज जिसके लिए आपको 18,000 रुपये पे करने होंगे। ये जो प्राइस देख रहे हो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तीनों ही वेरिएंट के प्राइस बढ़ेंगे 1 से 2 हज़ार के आसपास। तो कोशिश करें कि इस फोन को आप फर्स्ट सेल में ही परचेज कर लो, नहीं तो आगे जाकर इस फोन का प्राइस जरूर बढ़ने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। नंबर 2 पर हमने रखा है मोटो G31 को। अब ये फोन भी हफ्ता दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और मोटोरोला ने भी इस फोन में हमें काफी अच्छे फीचर्स दिए हैं प्राइस को कंसीडर करते हुए, बस परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। शुरू करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वगैरह देख सकते हो, अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। 8.5 mm थिकनेस के साथ आता है एंड 180 ग्राम वेट के साथ आता है। तो ये फोन ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा भारी भी नहीं है, ठीक ठाक वेट और इन हैंड फीलिंग के साथ आता है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 20 वाट का चार्जर दिया गया है। तो बैटरी बैकअप से इशू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फोन नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे ये होता है कि बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम हो जाती है, किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर स्किन और एड्स नहीं देखने को मिलेंगे।
जो कि अदर्स कंपनी के स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। मोटो ने प्रॉमिस किया है कि इसमें आपको क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फोन का जो बिग हाइलाइटिंग फीचर है वो है इस फोन का डिस्प्ले। इसमें हमें 6.47 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अप टू 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो आउटडोर यूजर्स में या फिर इंडोर यूजर्स में डिस्प्ले के मामले में कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। फ्रंट में पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे, तो कैमरा के मामले में ये फोन भी डिसेंट है प्राइस के अकॉर्डिंग। एटलीस्ट रेडमी नोट 11T से तो अच्छा ही कैमरा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इसमें हमें मीडियाटेक G85 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि एक 4G चिपसेट है। 2 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है। 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है ये प्रोसेसर, तो डे टू डे लाइफ में कोई इशू नहीं मिलेगी, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। इन केस अगर आप गेमिंग पर्पज से फोन परचेज करना चाहते हैं तो इस फोन को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं प्राइस कितनी है। तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 12,999 रुपये पे करने होंगे। इसी में आपको दूसरा वेरियंट भी मिल जाता है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये पे करने होंगे। तो मेरे ख्याल से 15,000 में इस फोन को आप कंसिडर मत करना, क्योंकि 15,000 के नीचे काफी तगड़े स्मार्टफोन है इसके अलावा भी। इन केस अगर आपका बजट 12,000 से 13,000 के बीच में ही है और आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए विद पंच होल कटआउट, तो इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हो। 13,000 के प्राइस पॉइंट पे इकलौता ऐसा फोन है जो कि इस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये फोन उन यूजर्स के लिए है जो लोग थोड़े बहुत गेम खेल लेते हैं या फिर वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो ये फोन उन यूजर्स के लिए है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि रेडमी की तरफ से ही आता है, अंडर 15,000, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो दोस्तों इस फोन का नाम है रेडमी नोट 10S। अब रेडमी नोट 11 सीरीज के पहला स्मार्टफोन ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स के अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जैसे कि डिस्प्ले हो, बैटरी हो या फिर डिजाइन हो। तो रेडमी नोट 10S में ऑलमोस्ट सभी फीचर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बस रेडमी नोट 11T से थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डाउन रहेगा ये फोन। चलिए जानते हैं कि इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वगैरह देख सकते हो, अच्छे डिजाइन के साथ आता है। 8.3mm के थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फोन स्लिम है, एंड 178g वेट के साथ आता है, तो मतलब भारी भी नहीं है, लाइट वेट के साथ आता है। बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में भी हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, एंड उसी को चार्ज करने के लिए 33W का चार्जर दिया गया है। Xiaomi अगेन क्लेम करता है कि 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा इस फोन की बैटरी। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन MIUI 12.5। कार्ड स्लॉट के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक G95 का चिपसेट, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। 3 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। नो डाउट नॉर्मल और डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, मतलब डेटा ट्रांसफर भी काफी तेजी से कर पाएंगे। Xiaomi का फोन है तो इसमें भी आपको IR ब्लास्टर मिल जाएगा। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है। 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अप टू 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट और पंची कलर के साथ आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले के मामले में ये फोन A1 है। अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, तो स्पीकर आउटपुट से भी कोई इशू नहीं रहने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और सेकंड कैमरा सोनी का सेंसर है जो 8 मेगापिक्सल का है। 2 और सेंसर देखने को मिल जाएंगे 2 मेगापिक्सल के, जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन के रियर कैमरे से आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। इस लिस्ट का इकलौता ऐसा फोन है जिसमें आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा फोन है ये। चलिए बात करते हैं प्राइस कितनी है। तो 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपये पे करने होंगे। इसी में आपको दूसरा वेरिएंट भी मिल जाएगा 6128, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये पे करने होंगे। तो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स लेकर आता है, सभी फीचर्स अच्छे हैं, सिवाय ये फोन 4G नेटवर्क के साथ आता है। हालांकि 5G का सपोर्ट होता तो इतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हमें।
तो दोस्तों अगर आपको 5G से मतलब नहीं है तो Redmi Note 11T को छोड़कर इस फोन को परचेस कर सकते हो, स्टिल वर्थफुल है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 4 पर हमने रखा है Moto G40 Fusion को। अब ये एकलौता ऐसा फोन है जिसमें आपको बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है, 120 हर्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाएगी। चलिए डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करेंगे इस फोन के बैटरी से, तो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 20 वॉट फास्ट चार्जर। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा, 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलता है, लेकिन 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ HDR10 सर्टिफाइड है, तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे या फिर दो सिम कार्ड लगा सकते हैं। 4G नेटवर्क के साथ आता है। इसी के साथ रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक का फीचर तो देखने को मिल ही जाएगा। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, तो किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर या फिर एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, काफी क्लीन UI दिया गया है। और इतना ही नहीं गाइज, इस फोन में आपको एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि मैक्रो लेंस है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंचुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। रियर कैमरे से अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया गया है, फ्रंट कैमरे से भी UHD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS तक। प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 732G का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, तो गेमिंग वगैरह में कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 14,499 रुपये पे करने होंगे, और इसी में आपको दूसरा वेरियंट भी मिल जाता है 6128 जिसके लिए आपको 16,500 रुपये पे करने होंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फोन को आप सेल वगैरह में परचेज करो, सेल के दौरान इस फोन पर हमें अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। वैसे इसका भी बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट कर लेना। सो गाइज, लास्ट में नंबर 5 पर हमने आपके लिए एक नॉन चाइनीज फोन को रखा है, तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। अंडर 15,000 ये फोन सैमसंग की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है, क्योंकि इसमें हमें बड़ी सी बैटरी, अच्छा कैमरा सेटअप, सबसे अच्छा डिस्प्ले और ऑफ कोर्स सैमसंग की ब्रांडिंग, ये सभी चीजें इस फोन में हमें देखने को मिल जाती है। बस परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन रहेगा ये फोन। चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, 9.3 mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फोन थोड़ा सा मोटा होगा, एंड 196 ग्राम वेट भी दिया गया है, मतलब वेट ठीक ठाक दिया गया है, ज्यादा भारी नहीं है, जबकि इसमें 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी लगी हुई है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 15 वॉट का चार्जर मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ये फोन 25 वॉट फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, तो अगर आप बाहर से परचेज करना चाहते हैं 25 वॉट का चार्जर तो कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन One UI 3.1। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि 15,000 के नीचे अभी भी एकलौता फोन है जिसमें हमें फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अप टू 800 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, एंड कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन A1 है अंडर 15,000। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और दो और कैमरे देखने को मिल जाएंगे 2 मेगापिक्सल के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा मॉड्यूल अच्छे दिए गए हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन मीडियाटेक G80 चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक 4G चिपसेट है, 12nm पर बना हुआ है, 210,000 के आसपास अंतुदु स्कोर देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली डाउन मिलेगा बाकियों के कंपैरिजन में। एज ऑलवेज सैमसंग का फोन है तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन तो रहेगा ही, लेकिन बाकी के फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 15,000 रुपये पे करने होंगे, इसी में आपको दूसरा वेरियंट मिल जाएगा 6128 जिसके लिए आपको 17,000 रुपये पे करने होंगे। मेरे ख्याल से बेस वेरियंट वाला ठीक है 15,000 के प्राइस पॉइंट पे। अगर आपका परफॉर्मेंस से ज्यादा इशू नहीं है तो इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों यही थे इस समय के सबसे अच्छे और सबसे तगड़े स्मार्टफोन अंडर 15,000। अगर आपका बजट 13,000 से 15,000 के बीच में है तो इनमें से आप किसी भी फोन को परचेज कर सकते हो अपने बजट रिक्वायरमेंट एंड यूजर्स के हिसाब से। बाकी दोस्तों आप मुझे
बताओ कि आपको इन सभी में से बेस्ट कौन सा लगा और आप कौन सा परचेज करने की सोच रहे हो। और अभी भी आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक नहीं किया है तो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट।